नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस सेशन में रेडियो ऑपरेटर का, जिसे रेडियो ऑपरेटर का असिस्टेंट जो सहायक परिचालक है और प्रधान परिचालक है, जिसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, तो इसके संबंध में बहुत सारे बच्चे लगातार क्वेरीज दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि सर ये बता दीजिए फिजिक्स में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आज का जो सेशन है हम लोग इसीलिए फिजिक्स विशेष स्पेशली जो साइंस आपका, अगर आप सिलेबस में देखोगे तो उसमें एक पॉइंट मेंशन कर रखा है जो जीएस वाला पोर्शन है उसमें सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान का एक पोर्शन बना रखा है। मतलब जो 25 क्वेश्चन होंगे वो फिजिक्स पे आधारित होंगे, दिया हुआ सामान्य विज्ञान लेकिन फिजिक्स ही ज़्यादा है उसमें, और बाकी 25 क्वेश्चन में कॉमन जीएस पूछेगा। तो आज हम लोग इस पे बहुत अच्छे से परिचर्चा करेंगे, क्या महत्वपूर्ण किताबें होनी चाहिए, कौन से टॉपिक में कितने डेप्थ तक में पढ़ाई करनी है, कहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी, क्या प्रश्न न्यूमेरिकल टाइप के होंगे या थ्योरेटिकल टाइप के होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे या फैक्चुअल होंगे, तमाम बातें आज हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर पुश कर लें ताकि आपको अन्य सारी जानकारी मिलती रहे, साथ में सेशन को लाइक भी जरूर करें। आते हैं हम लोग सबसे पहले पाठ्यक्रम की ही परिचर्चा करते हैं। ये आपके सामने सहायक परिचालक का पाठ्यक्रम है और अगले ही पेज पे मैंने प्रधान परिचालक का लगा रखा है। ये आपका प्रधान परिचालक का है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सहायक परिचालक की बात करते हैं। अगर ये वाला सेक्शन आप देखो जो दूसरा सेक्शन है सामान्य, अब पूरा आप देख लो तो यहाँ पे सामान्य हिंदी विज्ञान और सामान्य ज्ञान, तो मैं इस वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ विज्ञान और सामान्य ज्ञान। इस विज्ञान वाले पोर्शन में मतलब जो दूसरा है इसका जो का संभाग है विज्ञान यानी कि साइंस है, और साइंस में अगर आप टॉपिक की बात करोगे तो जो टॉपिक इन्होंने मेंशन किया है वो सारी फिजिक्स के मेंशन किया है। ये सहायक वाले का है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं सहायक परिचालक की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहले टॉपिक अगर देखें भौतिकी जगत तथा मापन, अब सर्वप्रथम ये बात होती है कि इन्होंने सिलेबस बनाया तो दिमाग में क्या रख के बनाया, इस पे हम लोग परिचर्चा कर लेते हैं। कारण क्या है, जो रेडियो संवर्ग की आपकी वैकेंसी है कहीं ना कहीं ये जो आयोग है वो टेक्निकल दृष्टि से देख रहा है। हमारी उस दिन एआरओ साहब से बात भी हुई थी जो इसी रेडियो संवर्ग के एआरओ थे, उनका भी यही कहना था कि बीसीए के लिए जब बात थी तो बस साहब साहब बोल रहे थे कि हमें टेक्निकली बच्चे चाहिए, और टेक्निकली बच्चे कहने का मतलब कि उनका पीसीएम पहली बात तो ये देख रहे हैं कि थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साइड का स्टूडेंट हो। दूसरी बात यह है कि उस स्ट्रीम को होने के बाद भी उसके पास कोई ना कोई सीएस या आईटी या सी इलेक्ट्रॉनिक्स इसका डिप्लोमा के समकक्ष कोई हो, है ना। तो जैसे सहायक वाले में देखा जाए तो उसमें ट्वेल्थ का मांग लिया है, और उसमें जो मांगा है प्रधान वाले में उसमें मिनिमम डिप्लोमा का मांग लिया है, और उसी के सिलेबस को उठा के रख दिया है भौतिकी जगत। अगर आप ये पूरा उठाओगे और एनसीईआरटी को मैच कराओगे तो ये सिलेबस जो बनाया गया है ये 11th और 12th के फिजिक्स के एनसीईआरटी से बनाया गया है। आप कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी फिजिक्स की उठाओगे, पहला ही चैप्टर आपको भौतिकी जगत मिलेगा, और दूसरा क्या है मापन। बहुत छोटी छोटी पॉइंट पे आपको मैं यहाँ पे एनालिसिस जो सिलेबस का है उसे कराने के लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे केवल मापन शब्द लिखा है, और अगर आप प्रधान परिचालक वाले में देखो तो यहाँ पे इसने क्या मेंशन किया है, इकाइयां मापन एवं आयाम यानी कि डायमेंशंस। अब आप समझिएगा सेम टॉपिक है इकाइयां मापन एवं आयाम, और इसका अगर आप सहायक वाले में देखोगे तो भौतिकी जगत तथा मापन, और इसमें बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस ये है कि जब आप कक्षा 11 का पहला चैप्टर उठाओगे तो भौतिकी जगत उसमें केवल एक फिलॉसफी दिया है, ये बताया गया है कि आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है, आगे के जो पाठ्य होंगे उनमें क्या क्या चीजें आपको आएंगी और वहां से क्या क्या जानकारी आपको जाननी चाहिए, ये बताया गया है, एक छोटी सी फिलॉसफी बताया गया है, ये आप समझ सकते हो एक्नॉलेजमेंट की तरह से। तो यहां से प्रश्न जो बनेंगे वो बहुत खास नहीं बनेंगे, लेकिन बातों बातों में एनसीईआरटी ने क्या जिक्र कर दिया है कि उसमें जो महान वैज्ञानिक हुए हैं उनके बारे में, उनके जो महत्वपूर्ण खोज है उनके बारे में जो चर्चा है, तो वो टेबल पूरी मिली है, और जो क्वेश्चन बन सकता है भौतिकी जगत में वहीं से बन सकता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। दूसरी बात अगर हम मापन की बात करें तो मापन में अगर आप अभी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते आए हो, विज्ञान पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, तो मापन सब लोग पढ़ते हैं एसआई यूनिट, जैसे 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, है ना, किलोग्राम हुआ मास का, आपका सेकंड हुआ टाइम का, लेंथ का मीटर हुआ, ऐसे आपका कैंडला वगैरह हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, तो ये सारे जो आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और उनसे जो डिराइव्ड यूनिट है ये आपके यूनिट एंड मेजरमेंट्स में आते हैं। लेकिन इन्होंने प्रधान परिचालक में क्या रखा है, एक पॉइंट रखा है डायमेंशंस यानी कि आयाम। तो जब इन्होंने डायमेंशंस की बात कर दिया इसका मतलब ये उसी कक्षा 11 के चैप्टर में थोड़ी डेप्थ में और जाएंगे।
अब केवल जब मापन और आयाम की बात होती है तो केवल यहां पे एसआई यूनिट से मतलब नहीं रह जाता है, सीजीएस सिस्टम से मतलब नहीं रह जाता है, डिराइव्ड और फंडामेंटल यूनिट से मतलब नहीं जाता। इसमें आप और भी जब पढ़ोगे तो उसमें अप्रोक्सीमेशंस होते हैं, एरर डिटेक्शन होता है, कितने टाइप के एरर होते हैं, मेजरमेंट में कौन से एरर हो सकते हैं, और उसके बाद एक होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। मैं आपको याद दिला दूं, जैसे किसी भी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जाता था, एम एल और टी के फॉर्म में निकाला जाता था। तो कोई भी हमारी जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उनको हम एम एल टी फॉर्मूला यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला में लाते थे। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन की प्रकृति डायरेक्ट बोल देगा कि फोर्स का एम एल टी फॉर्मूला क्या है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो वो आपको बताना पड़ेगा m जीरो है कि l की पावर वन है कि t की पावर टू है। ये सारी चीज चार ऑप्शन आपको अलग अलग दे देगा, वैसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप बेसिकली समझ लो जहां पे आपका सहायक है ये 12th लेवल का है, वहीं पे इन्होंने जो इसे किया है ये डिप्लोमा लेवल का दिए हैं। तो बेसिकली अगर आप यहां पे सिलेबस को देखोगे तो आपको प्रधान परिचालक के सिलेबस को छोटा दिखेगा, बट अगर आप उसकी गहनता से अध्ययन करोगे तो ये छोटा नहीं है, जाहिर सी बात है ये डिप्लोमा लेवल का है। तो सिमिलर टॉपिक में उसमें हाई डिग्री के क्वेश्चन, हाई डेप्थ के क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, और आपसे फैक्चुअल भी पूछ सकता है। ये तीनों बात का हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। दूसरी टॉपिक पे आते हैं, ये सहायक वाला है। सहायक में अगर आप देखो तो दूसरी टाइप है गतिकी यानी कि काइनेमेटिक्स, और जब गतिकी काइनेमेटिक्स बोल देता है तो आपके उसमें जितने भी बोल सकते हैं कि पिंड हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं जो मोशन में हैं, उन सब के बारे में ये चर्चा कर लेगा। फिर उसी में आपका न्यूटन का भी लॉ ऑफ मोशन आ जाएगा, है ना। हालांकि इसने अलग से किया गति के नियम, तो ये लॉज ऑफ मोशन में इन्होंने न्यूटन को ही मेंशन करना चाहे, लेकिन इसके अतिरिक्त भी आपके सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो गतियां होती हैं उनके बारे में भी चर्चा करेगा, ग्रेविटेशन के कारण जो गतियां होती हैं उनके बारे में चर्चा करेगा, पुली हो गया, थोड़ा मैकेनिक्स में जाएगा, पुली हो गया, बीम हो गया, इनके बारे में चर्चा करेगा, है ना। तो ये बहुत गहराई से क्वेश्चन यहाँ पे भी काइनेमेटिक्स से बन सकते हैं, और अगर इसे पूरा अच्छे से पढ़ लें तो एक एक का फॉर्मूला इसी में आपका एसएचएम हो जाएगा, है ना, बहुत सारे इसमें बनते हैं। तो वो जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो एक एक चीज कवर करते हुए चलेंगे। तो अल्टीमेटली ये मोशन काइनेमेटिक्स आपकी पूरी गति की मोशन के बारे में है, पूरी इसमें मैकेनिक्स इंक्लूडेड है, आप ऐसे समझ सकते हो। उसके बाद अगर आप यही प्रधान परिचालक में देखो तो इन्होंने सदिश एवं अदिश राशियां मतलब कि ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं, और यहां से भी क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। कई बार तो यही पूछ लेता है कि आपके कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा सदिश राशि, कौन सा अदिश राशि है। जैसे आपसे भी पूछ लिया जाए कि जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, बहुत सारे बच्चे इसे ही गलत कर देते हैं, तो डीप क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद यह है बल, गति और नियम, और यहां पे वो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो अल्टीमेटली इन्होंने जो काइनेमेटिक्स और गति के नियम दिए हैं इसमें ये केवल एक टॉपिक में कर दिया है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड फोर्स के कारण जो मोशन होते हैं, और इवन मैकेनिक्स में जो पुली वगैरह बाकी चीजें हैं उनके बारे में ये चर्चा करेगा। तो यहां तक इसमें डिप्लोमा देखा जाए तो यहां पर जो टॉपिक मेंशन कर दिया है उसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा बहुत उससे 20 होंगे, और सहायक वाले में थोड़ा 19 होंगे। यहाँ पे यूनिट्स और इनसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। ये पे कार्य ऊर्जा और शक्ति देख लें, वर्क पावर एंड एनर्जी, और सेम टॉपिक यहाँ पे भी है, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो यहाँ पे भी थोड़ा इसमें ज्यादा डेप्थ में जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपसे यूनिट और इसी में ही ज्यादा पूछेगा कि फोर्स क्या है, वर्क डन क्या है, है ना, एनर्जी क्या है, एनर्जी में भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन सबसे टॉपिक से पूछ लेता है, स्प्रिंग से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, और इवन न्यूमेरिकल्स और यूनिट पे भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, बहुत बार इसमें कॉन्सेप्ट्स पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये बहुत विधिवत चैप्टर है कार्य ऊर्जा और शक्ति, तो इसे अच्छे से पढ़ना है। कई बार जैसे पावर में, एनर्जी में ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी में कितना आता है, घर में ऊर्जा कितनी होती है या कितना बिल आता है, इन पे भी न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। तो या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि एनर्जी वगैरह में जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो वो तमाम तरीके से क्वेश्चन में बना सकता है। चौथा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, और इसमें भी अगर आप देखा जाए प्रधान वाले में, तो इसमें एक क्या क्या है, रोटेशनल मोशन और ग्रहों और उपग्रहों की गति, इसने थोड़ा उसे और ओपन किया है। तो अभी भी जो आप प्रधान परिचालक को देखोगे तो यहां पे क्वेश्चन 20 ही बन रहे हैं, और यहां पे क्वेश्चन का लेवल उससे 19 हो रहा है, लेकिन यहां के बाद थोड़ी सी चीजें चेंज हो गई है। ये आपका जो अभी तक था ये आपका क्लास 11th का सिलेबस था, अभी मैं जो ब्लू पेन से आपको दिखा रहा हूं ये आपके क्लास 12th का सिलेबस है, है ना। कक्षा 11 में एक किताब चलती है, कक्षा 12 में दो किताब चलती है, कक्षा 11 के सारे टॉपिक इन्होंने मेंशन कर लिया है, 12 में
इन्होंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वो आपसे आवेश पूछ सकते हैं, आवेश पे जो चार्ज होता है जो उनका 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कांस्टेंट होते हैं जैसे एप्सिलॉन होता है, आप जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करोगे, विभवांतर की बात करोगे, तो 1/4πε₀Q1Q2r² आता है। उसमें जो एप्सिलॉन होता है वहां से पूछ लेगा कि उसका नेतांक जो होता है, उसका जो वैल्यू होती है वो क्या होता है। तो बहुत सारे कांस्टेंट के वैल्यू पूछ सकता है, इवन इलेक्ट्रिसिटी की बात करेगा तो उसमें ऊर्जा पे भी क्वेश्चन बन जाएगा कि एक ही सीरीज में पैरेलल में बल्ब लगे हुए हैं, पावर इतनी जा रही है, कौन सा बल्ब तेजी से जलेगा, कौन सा कम जलेगा, वाट अगर निर्धारित कर देता है तो उस पे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। बहुत डीप नहीं पूछेगा बट यहां से वो पूछ सकता है। और सिमिलरली ये सहायक में भी है, किंतु प्रधान परिचालक में इलेक्ट्रोसिटी का कोई भी चैप्टर नहीं है। तो अभी जो ये वाले इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, विद्युत विभव जिसके बोलते हैं, विद्युत धारा जिसे बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, बीएलवी पे क्वेश्चन बनते हैं, कोई आवेश है मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट पड़ेगा उससे क्वेश्चन बन सकता है, उसकी यूनिट्स के क्वेश्चन पूछ सकता है, फराडे का नियम हो गया, हेनरी का नियम हो गया, यहाँ पे बहुत सारे वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। और अगली ही टॉपिक इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट दे दिया है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये तो बात की टॉपिक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। और सबसे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ट्रांसफार्मर हो गया आपका, मोटर हो गया आपका, जितने भी इंड्यूस्ड करंट्स होती हैं है ना, या फिर आपका जनरेटर हो गया, या साइक्लोट्रॉन से क्वेश्चन बन गया, इन तमाम चीजों से यहां पे वहीं पे आपका एलसी रेजोनेंस से पूछ सकता है, इंडक्टेंस जो होता है, आप रेजिस्टेंस इसी में पढ़ोगे, कैपेसिटर पढ़ोगे, इंडक्टर पढ़ोगे, और इंडक्टर का और कैपेसिटेंस का जो रेजोनेंस होता है, जो रेजोनेंस इंडक्टर और कैपेसिटेंस का रेजोनेंस होता है, आरएलसी जो होता है, तो इन सभी से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। पूरा 12th का सिलेबस है, थोड़ा डीप में हमें पढ़ने की जरूरत है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। बाकी आपका क्या हो गया, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, तो ये कॉमन सी चीज है। इसमें आपको क्योंकि आगे प्रकाशिकी है तो तरंग आप ऐसे मान सकते हो, तरंग चैप्टर हम लोग वैसे भी पढ़ते हैं, तरंग कितने प्रकार की होती है, उसमें कुछ प्रकाशिकी का भी पढ़ लेंगे, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर भी पढ़ लेंगे, सारी चीजें वो हमारा तरंग में आ जाएगा। और उसके बाद एक अलग से है, ये कक्षा 12 का सबसे लास्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन, ईडीसी जिसे आप लोग बोल सकते हो, है ना, हायर जब क्लासेस में जाते हो तो ईडीसी आप पढ़ते हो, बीटेक वगैरह, डिप्लोमा वगैरह या बीएससी वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन। इसमें आपके बेसिकली डायोड से क्वेश्चन होते हैं, डायोड कितने प्रकार के होते हैं, सेमीकंडक्टर्स, होल्स हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और उसके बाद जीनर डायोड हो गया, फिर जो डायोड है वो ओमिक है, नॉन ओमिक है, ओम के लॉ को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उन पे जो आपके कुछ क्या हो सकते हैं, न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, एक दो वो पूछ सकता है, या कई बार छोटे बहुत रेक्टिफायर वगैरह ऐसे क्वेश्चन बहुत बेसिकली होता है, लेकिन वहां से क्वेश्चन बन सकता है, आप ऐसे समझिएगा। तो इसे भी हमें थोड़ा डीप पढ़ने की जरूरत है। कम्युनिकेशन में बेसिकली आपका एंटीना हो गया, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन हो गया, एएम एफएम जो होता है, इन सबसे क्वेश्चन पूछते हैं, एंटीना की साइज क्या होनी चाहिए, सेटेलाइट्स कैसे वर्क करते हैं, टीवी कैसे वर्क करती है, इन सब चीजों पर, रेडियो तरंगे कैसे कार्य करती हैं, कौन सी तरंगे ज्यादा अच्छी होंगी अगर हमें कम्युनिकेशन भेजना है, करियर वेब्स पे, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कम्युनिकेशन सिस्टम में अच्छे से पूछा जा सकते हैं। तो यहां से अगर देखा जाए, ये जो मैंने ब्लू से किया है, ये वाला पोर्शन आपका प्रधान परिचालक में नहीं है, ठीक है ना, ये पूरा का पोर्शन आपका नहीं है, आपके प्रधान परिचालक में इतना है। तो इसमें अगर क्वेश्चन देखा जाए तो इन टॉपिक से प्रधान परिचालक में ज्यादा अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनमें थोड़ा सा 19 होगा, लेकिन हल्का इसमें भी नहीं होगा, यह आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इसे देखा जाए तो इसमें जो नीचे है, फिर इसमें जल, वैद्युत, रासायनिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये फिर आपके 12th की केमिस्ट्री की बुक ले ली है, 12th और 11th के केमिस्ट्री की बुक ले ली है, 11th एंड 12th की केमिस्ट्री से कुछ उठा लिए हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया पूरा चैप्टर नंबर 3, आप कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 3 देखोगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही है एनसीईआरटी की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीमर्स और प्लास्टिक, मतलब कि ये पूरा कार्बनिक जितने भी यौगिक होते हैं उन पे अच्छे से क्वेश्चन बनाएगा। तो कहने का मतलब एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अलग से, तो पूरी एक किताब आपको केमिस्ट्री के 12th की पढ़नी पड़ेगी और एक तीसरा चैप्टर यहां पे पढ़ना पड़ेगा, वो आप समझिएगा। तो जो आपका सहायक परिचालक है उसमें केवल फिजिक्स है, और जो आपका प्रधान परिचालक है उसमें फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों है, इस बात को समझिएगा। तो ये तो आपकी मैंने परिचर्चा कर ली कि पाठ्यक्रम की परिचर्चा क्या है। अल्टीमेटली मैं अब टॉपिक पे आए तो सबसे बड़ी बात है पढ़े कहां से। अभी आपको तीन किताबें
फिजिक्स की दे दिया जाए एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, उसके बाद दो किताबें आपको दे दिया जाए केमिस्ट्री की प्रधान परिचालक के लिए, तो पांच किताबें आपकी ऐसी हो गई। इतनी मोटी मोटी आपकी किताबें हैं सारी। और सबसे बड़ी बात है एनसीईआरटी की फिजिक्स वन ऑफ द टफेस्ट बुक है लैंग्वेज के मामले में, आप इतना जल्दी कंज्यूम भी नहीं कर पाओगे। सो आपको साउंड, आपको बहुत अच्छा टीचर भी चाहिए, बहुत अच्छे उसके रेफरेंस बुक्स भी चाहिए, जैसे एहसान वगैरह की ट्वेल्थ वगैरह में चलती थी, या इस कॉम्पिटिशन लेवल पर तो वो किताबें नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपका वैसा पूछेगा। अच्छा ये भी माइंड मेकअप नहीं कर लेना आपको कि नहीं अब पता नहीं बहुत पहाड़ी पूछ लगा आपसे, इंजीनियरिंग कराने नहीं जा रहा है, बट आपको साथ में अपने को क्या करना है, रिस्क जोन से बाहर निकाल के थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट पुट करने की जरूरत है। न्यूमेरिकल्स भी, कॉन्स्टेंट्स भी, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज भी, फैक्ट भी, कॉन्सेप्ट भी, सब कुछ बहुत विधिवत पढ़ते चलना है। और इसीलिए मैं आपसे बहुत पहले बोला था कि फिजिक्स में हम लोग थोड़ा समय ले रहे हैं, फिजिक्स में ही आपको पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स में सपोर्ट करने के लिए एक अकेले टीचर की बस की बात भी नहीं है। अगर पूरा कक्षा 11 कक्षा 12 इसे बहुत अच्छे से पढ़ाना पड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है उस पर 3-4 महीने केवल इतने सब्जेक्ट में लग जाते हैं, बट फिर भी एक दो फैकल्टीज और भी हम लोग साथ में लाएंगे। आशीष सर भी अपने कुछ चैप्टर्स में कम्युनिकेशन वगैरह जो चैप्टर है वो आशीष सर लेके आएंगे, और भी जो हमारे एक्सपर्ट हैं जो कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, कोई जेई है, कोई असिस्टेंट इंजीनियर है, कोई और भी अच्छे हैं, तो उन लोग को भी जो अलग संस्थाओं में पढ़ाए भी हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, वो भी कहीं ना कहीं आपसे इंक्लूडेड होंगे। अल्टीमेटली फिजिक्स में ही आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, मैक्सिमम आपको मैं ही कवर करने वाला हूँ, तो परेशान नहीं होना है। किताबों की बात कर दिया हूँ तो किताबों कुछ लेने जरूरत है, अगर आपको एक्स्ट्रा कोई किताब लेने की जरूरत है तो एनसीईआरटी ही उठाओ, एनसीईआरटी से जितना आप कर सकते हो उतना करो। बाकी मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी भी आप मत पढ़ो पूरा का पूरा, एनसीईआरटी के बेसिस पे मैं आपको पूरा क्लास में आपने कोर्स ऑलरेडी ले रखा है, जो नहीं लिए हैं वो कोर्स ले लीजिए। मैं आपको बता दूं live.parikshaplus.org है ना, आप अभी जाके इस पे रजिस्टर कर सकते हैं live.parikshaplus.org, या आप सीधा गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस आप क्या करिए, सर्च करिए ऐप हमारा, और उसे इंस्टॉल करके सीधा आप रेडियो ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर का बैच है जो 1200 का बैच है, अभी आज भर के लिए केवल 50% ऑफ के साथ 599 में दिया जा रहा है, तो इसे आप अभी परचेज कर सकते हो, बाद में ये कोर्स आपको 1200 का मिलेगा। महंगा कोर्स है, बड़ा कोर्स है, टाइम भी ज्यादा लगेगा, मैथ्स भी है इसमें, फिजिक्स भी है, जीएस भी है इसमें, हिंदी भी है, रीजनिंग भी है, बहुत बड़ा सा पोर्शन है, देखा जाए तो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे बहुत अच्छे से कवर करना है। तो उम्मीद है आप कोर्स से भी जुड़ोगे, जो जुड़ गए हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी कक्षा एक ही दिन में प्रारंभ कर दी जाएगी। बेसिकली बुक्स के नाम पे परीक्षा प्लस के नोट्स ही सबसे अच्छे हैं, कंटेंट के नाम पे परीक्षा प्लस ही सबसे अच्छा है, पूरी क्लासेस आपको विधिवत दी जाएगी और इसमें बहुत सारे आपको प्रैक्टिस भी करवाए जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, पूरे मन से लगे रहिए, और ये जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं कि आपको किसी भी संभाग में आपको कहीं भी कमजोर नहीं होने दूंगा, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करवाऊंगा। तो आपको उसे जुड़िए, फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।